हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे है सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है आपकी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है और ऐसा क्या हो सकता है जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता। सो यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है आपके लिए वो भी हम देखेंगे, एंड वॉट इज कमिंग टूअर्स यू। ठीक है, हु इज कमिंग टूअर्स यू, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स। तो आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा खास होगा। ऑलराइट, सो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर द रील्स, क्योंकि मैं एडिशनल रील्स वहाँ पर देती हूँ। और दूसरा जो चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फॉर द कॉफी रीडिंग्स, फॉर टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस एज वेल एज सैंड रीडिंग्स एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, ताकि आपके जीवन में मैं क्लैरिटी लेके आ पाऊँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो कमेंट सेक्शन पे ये ज़रूर लिखे, यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल ऑन दिस अर्थ एंड डू द बेस्ट इन एवरी वंस लाइफ। आप लोगों के लिए अच्छा चाहोगे तो आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा, चाहे आप दूसरे लोगों को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, लेकिन अब जरूर उनके लिए ब्लेसिंग्स दे दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लास्ट तक देखें फॉर द ओरेकल मैसेजेस। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है खास जिनके बारे में शायद उनको भी नहीं पता। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन वेरी स्पेशल फॉर यू। आप में से काफ़ी लोग एयर साइंस के हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जिनके लिए शायद आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला आपके पर्सन। देखो, यहाँ पे एक मौत आया है, MOTH, इट्स नॉट अ बटरफ्लाई, इट्स अ मौत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि मौत जनरली क्या होता है, बटरफ्लाई की तरह दिखता है लेकिन वो कलरफुल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि मौत जो है वो आग की तरफ या कोई भी फ्लेम की तरफ आकर्षित ज़रूर होता है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे फोकस कर रही थी तो यहाँ पे ना कैटरपिलर बन रहा है, जो बटरफ्लाई का जो बच्चा है, ठीक है, वो बन गया। मतलब आप लोग धीरे 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 रोशनी की तरफ जा रहे हो, लेकिन इतना भी, ठीक है, अगर आपके सामने कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी ऑफर्स आ रहे हैं, आपको सबसे ज़रूरी बात है कि आपको झांक के देखना है। जिस तरह से कुएं में झांक के हम देखते हैं कि वहाँ पे कितना पानी है, उसके हिसाब से हम रस्सी को बनाते हैं और फिर हम बकेट को डालते हैं। जनरली मैं हम लोग नहीं करते बिकॉज वी डोंट लिव इन द रूरल एरियाज, लेकिन जो गांव होते हैं, ठीक है, गांव के लोग वैसे ही करते हैं। तो रस्सी जितना बड़ा होगा मतलब पानी का लेवल उतना नीचे है, इसीलिए ना। तो कहीं ना कहीं पे आपको झांक के देखना पड़ेगा कि आप जो ऑफर्स ले रहे हो, ठीक है, मे बी आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट का ऑफर्स देख रहे होंगे, मे बी एनी टाइप ऑफ पॉलिसी, एनी टाइप ऑफ जहाँ पे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, एक लोटस या कोई डाइनिंग टेबल या इस तरह से कुछ फूल ही है, ये पंखुड़ी इस तरह से खुल रहा है, मतलब क्या है, ब्लॉसमिंग आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो द ब्लॉसमिंग इज कमिंग टूअर्ड्स यू। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे फोकस करके देख लेना, जूम करके, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, एक डाइनिंग टेबल दिख रहा है या एक फ्लावर दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपके ज़िंदगी में जो कुछ मिसिंग था, शायद आपने खुद रेस्ट्रिक्शन बनाया था इसलिए आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उसी समय, ठीक है, देखो सबको वक्त एक ही दिया जाता है, 24 आवर्स इन अ डे, 7 डेज इन अ वीक एंड देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। लेकिन कहीं ना कहीं पे शायद आपको खुद डर था, या आपके पेरेंट्स या आपके खानदान में, ठीक है, आपको रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है चाइल्डहुड से, बचपन से, इसलिए आपको वो ताकत नहीं मिला कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ले पाओ। हो सकता है कि शायद किसी ने ऐसा सोचा था कि हम लोग, यहाँ पे देखो साफ साफ यहाँ पे कैंसर साइन बन रहा है, यहाँ पे
कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकता है, उसका जो दो पैर है ना इस तरफ ऐसे ऐसे करके रहते हैं वह बन रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आप अपॉर्चुनिटी को ठीक है ले नहीं पाए। ठीक है, और कर्क राशि अगर आप हो या कर्क राशि का नेचर के जैसा हो आप, तो वो क्या करती है आपको पता है? आप अगर झांक के देखो, कर्क राशि ऐसे होते हैं कि मुझे पता है 4 कदम आगे का होता है तो 8 कदम वो पीछे कर देती है, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस या फियर या लिमिटेशंस होते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि हर कर्क राशि को ऐसा ही होता है, बट दिस इज जस्ट अ जनरल। कर्क राशि आप में भी नहीं हो, बट ये फीचर जरूर आप में है कि आपको डर लग जाता है कुछ भी न्यू चीज या ऑफर लेने में, या आप तो ऐसा करते हो कि आप ले लेते हो उसके बाद आप सोचते हो, जस्ट अ सेकेंड गाइस, तो हवा बहुत ज्यादा तेज है, आप शायद इस तरह से सोचते हो कि कहीं ना कहीं पे मुझे वो ऑफर लेना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो फिर आपका रिग्रेट हो जाता है। ये आपके साथ काफ़ी बार हो चुका है रिलेशनशिप में। आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फिर से आएंगे और आप अपने माइंड को, लॉजिक को यूज़ करोगे ताकि आप पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। तो यहाँ पे आज के लिए जो है वो है, गॉड ने आपके लिए, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है वो है बहुत सारा, ढेर सारा। यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है। यहाँ पे फिर से एक 7 आ रहा है, आप खुद देखो। हो सकता है विद इन अ वीक आप जिस मैसेज के लिए या आप जिस ऑफर के लिए या जिस प्रमोशन के लिए या कुछ वेटिंग, हो सकता है रिजल्ट के लिए आप बैठे थे, हो सकता है उसको आने में भी अभी भी 7 डेज, 7 वीक्स या 7 मंथ्स लगे। वो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे साफ 7 ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, द मंथ ऑफ जुलाई कैन ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट। 16 नंबर, यहाँ पे देखो हाई हील शूज, देखो ये बूट दिखाई दे रहा है। मेरा फोकस यहाँ पे होता है और यहाँ पे शेप्स तो बनते ही है। यहाँ पे देखो, आप खुद देखो, आप खुद बताना यहाँ पे शूज मतलब क्या है। हो सकता है कि आप ब्लैक शूज ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज ब्लैक कैंडल है ऑफ कोर्स, तो मुझे नो डाउट दिखाई दे रहा है आप कोई ऐसी जगह पे आपका एडमिशन हो सकता है, या आप मे बी अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करो, या हो सकता है कोई प्रोफेशनल कोर्स आप ज्वाइन करने वाले हो आगे जाके, या आप पास आउट करने वाले हो और जब आप कोई कंपनी में ज्वाइन करने वाले हो कॉर्पोरेट में भी आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा, या आप ऑलरेडी पहले से बहुत चेंज हो चुके हो लेकिन और भी चेंज होना आपके लिए बाकी है। हो सकता है कि दिस आर द प्रोटेक्टिव शूज, मे बी आपके पर्सन कुछ इस तरह से जगह पे काम करते हैं जो थोड़ा सा हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं, इसीलिए वो पहनते हैं इस तरह के शूज, या हो सकता है मतलब शूज आर, अगर आप सिंबल देखते हो ठीक है ड्रीम्स में, सपने में, तो बहुत ज्यादा शुभ संकेत होता ही है। किसी ने रिसेंटली शूज परचेज किया है, या हो सकता है कि फेस्टिवल आने में ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस जरूर दूंगी, शूज किसी को गिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, शूज किसी को भी आपको गिफ्ट नहीं करना है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, स्पेशली इन योर लव लाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, वो मत करना। देखो, करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे लगा आप, देखो मैं हमेशा आपके अच्छाई के लिए सोचती हूँ ना, तभी ना मैं बोलती हूँ। कहीं ना कहीं पर मुझे ये भी लगता है कि किसी को गिफ्ट में परफ्यूम्स नहीं देने चाहिए, शूज़ नहीं देने चाहिए, ऐसे कन गिफ्ट रिस्ट वॉचेस और एनीथिंग, ड्रेसेस, पर शूज़ नहीं। ठीक है, आई डोंट नो बट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माई फैमिली ट्रेडिशंस कि नहीं देना चाहिए। आपके फैमिली ट्रेडिशंस में ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मासूम एक डक की फेस यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आपके रिलेशनशिप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं और उनके साथ शायद आप डील नहीं कर पाते, तो वो बिकॉज आप अंदर से कुछ बहुत, मे बी बाहर से स्ट्रिक्ट हो बट अंदर से तो वो कोमल इंसान ही हो आप। ठीक है, तो आप डील नहीं कर पाते हो, लेकिन इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप्स को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। मे बी वो पर्सन बाहर की दुनिया के लिए स्ट्रिक्ट रह सकता है, लेकिन आपके साथ जब वो डील करेगा तब वो बहुत ज़्यादा कोमलता के साथ आपके साथ पेश आएगा। प्लेजेंट मैनर्स होंगे, उनके बिहेवियर अच्छे होंगे। कोई इस तरह से योगा करता है, मुझे लग रहा है
योगा हीलिंग थेरेपी, यहाँ पे वृक्षासन बोल के एक आसन होता है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वृक्षासन, वृक्ष जैसे बन जाना, ठीक है, पैर को इस तरह से मोड़ के करते हैं। या आप, हो सकता है कि इस वक्त जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप खड़े हैं, एक पैर को ऐसे रख के, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पैर को ऐसे रख के आप यहाँ पे खड़े हैं। ऑल राइट, हमेशा ना इस कभी भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग्स देती हूँ तो आप लोग उसको जूम करके ज़रूर देखिएगा, या आप उसको ऐसे ही लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में मत देखिएगा, उसको आप फुल स्क्रीन देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑफ कोर्स किसी का शादी यहाँ पे होगा, ठीक है, जिस तरह से बोला जाता है ना कि शादी के समय पे कोई, यहाँ पे शादी है और यहाँ पे मुझे बीच में शायद दिख रहा है कोई, नहीं वो आप दोनों को सेपरेशन नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है आपके कान में कुछ मंत्र बोल रहे हैं, उनके कान में कुछ बोल रहे हैं, तो मंत्रस का कुछ एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जिस तरह के शादी के समय में होता है, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, ठीक है, आपको कुछ प्रॉमिसेस लेना पड़ता है महाराज जी के सामने, या प्रिस्ट के सामने, या काजी के सामने, तो ये सब होता है, राइट। तो आई डोंट थिंक सो दैट दे आर गोइंग टू, दिस पर्सन इज गोइंग टू सेपरेट यू, पर शायद आपको जोड़ रहे हैं ये। ओके, लव सिंबल यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो क्या आ रहा है जिससे आप बिल्कुल अनजान हो? यहाँ पे एक लॉक आ रहा है, तो कुछ ब्लॉकेजेस है बट वो सॉल्व होंगे। आप ज़्यादा सोच रहे हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा, जब आप रीडिंग को देखोगे ना, गहरी नींद में, जिस तरह से गहरी सोच में पड़ जाओगे आप लोग कि आप क्या करें, कोई कन्फ्यूजन के बारे में है नहीं। आप अगर देखो, किसी को रस्सी से बांधा जाता है, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है, अदर वो अपना दांत का यूज़ कर सकता है, या कहीं ना कहीं आप पे आपको कुछ ऐसे डिवाइसेस ज़रूर मिल जाएंगे जिस रस्सी को आप काट सकते हो ताकि आप आज़ाद हो पाओ। तो आज़ाद होने के लिए किसी को इस तरह से नहीं चाहिए, ठीक है, आपको किसी का प्रतीक्षा नहीं करना है, आपको खुद का हेल्प खुद कर लेना है, ठीक है। ओके, समवन इज डूइंग लाइक दिस, चैलेंज ले रहा है आपसे कि आप जीत पाओगे या नहीं, हो सकता है आपके कंपटीटर हो या कुछ, आपके ऊपर नज़र है इनका, मतलब वो देख रहा है या वो देख रही है कि आप उनसे ज़्यादा आगे जा पाते हो या नहीं। रिबन आ रहा है, तो कोई ऐसा इनॉग्रेशन आपके घर में, आपके शॉप में, या कुछ जगह पे हो सकता है, शायद आप कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करो। ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1, 5, द लेटर एल, H, BY, VW इज इम्पॉर्टेंट, इवन J, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एंजल जो गाइडेंस है वो आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं जो बिल्कुल आपको फॉलो करने चाहिए। ओके, सो जस्ट लेट मी डू दिस, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज बताए उनके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, भरोसा, नॉट द राइट टाइम, ओके, अभी भी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि आपने खुद रेस्ट्रिक्शन दिया है। देखो, रिकंसिडर, आप किसी रिलेशनशिप को फिर से कंसिडर कर सकते हैं। देखो, इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपके हेल्थ इश्यूज जा रहे थे ड्यू टू स्ट्रेस, प्रेशर, अगर आपके फैमिली में भी कुछ है, तो आप कोई सेकेंड ओपिनियन ज़रूर ले, इस यूनिवर्स के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर भरोसा ज़रूर करें, और अगर आपको कोई चीज़ अभी नहीं हो रहा है, उसको पुश करने की, उतनी ज़्यादा तेज़ी से उसको पुश मत करना, हो सकता है कि ये सही वक्त नहीं आया है, सो डोंट ट्राई टू पुश, आपका एफर्ट्स आपने कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सरेंडर कर देना है,
यहाँ पे मैंने पहले भी बताया होगा या नहीं बताया मुझे याद नहीं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब एक इंसान इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, जनरली ऐसा माना जाता है कि हर एक का एक प्रोटेक्शन एंजल और गार्जियन एंजल होते ही है। ओके, आपको उस गार्जियन एंजल को बुलाना है। मे बी दे कैन बी आर्कएंजल माइकल, लूसीफर, ठीक है, या हो सकता है आर्कएंजल रफायल हो, ठीक है, उस तरह से हो सकते हैं। नाउ यू हैव टू कॉल योर गार्जियन एंजल, ठीक है, एंड देन आप उनके ऊपर सरेंडर कर दें। मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुने इस बात को और ज़रूर इम्प्लीमेंट करें प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ हाँ दी, सुन लूँगा, सुन लूँगी, फिर बाद में पागल हो जाना, ठीक है, इस तरह से नहीं होना है। आपको करना है, आप सही तरह से उनको बुलाओ, प्रेयर्स काफ़ी है करने के लिए, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, ठीक है, ये चीज़ नहीं हो रहा है, मतलब वो कनेक्शन या वो करियर अपॉर्चुनिटी या वो कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है वो आपके लिए सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है रिकंसिडर, आप फिर से इवेल्युएट करो। मे बी वो करियर आपके लिए सही नहीं है, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। इस रीडिंग के बाद आप 16:16 देख सकते हो, ठीक है, आप 16:16 नंबर देख सकते हो, या 7 आप देख सकते हो, 777 आप देख सकते हो, 25 आप देख सकते हो, 25 25, कहीं ना कहीं पर मुझे इस तरह से भी नज़र में आ रहा है कि आपको इस दुनिया से, मे बी लोगों के फितरत से उम्मीद उड़ चुका है, लेकिन आपको मानना है हमारी जो दुनिया है ये एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए हमारे सोल्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया है, और हम लोग एक रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत गहराई तक आज मैं जा रही हूँ स्पिरिचुअलिटी का। वी आर ऑल प्लेइंग अ रोल्स, तो किसी को भी ब्लेम नहीं देना, वो शायद अपने रोल में ज़्यादा ही घुस गया है। अगर आपको कोई तकलीफ दिया है, ऐसा मत समझ लेना कि शायद जानबूझ के दिया हो या नहीं हो, मान लेना कि वो केयरलेस है इसलिए दिया है, तब आप शांति में रहोगे, वरना आप परेशान होते रहोगे। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं मैंने बताया है, आप फॉलो करोगे ना, मेरा बात सुनोगे ना, तो प्लीज़ सुनना, देखना आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। सो इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ वीडियो को। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट ओके रीडिंग। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस एंड कीप वॉचिंग माई चैनल डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइस एंड लव यू अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।